ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। जनपद हमीरपुर के जिला कारागार में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। भारी पुलिस बल घंटों तक जेल के बाहर रहे। तैनात भारी पुलिस फोर्स को देखकर राहगीरों में बची हलचल। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के जिला कारागार का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और जिला अधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। घंटों तक जेल के अंदर का जायजा लेते रहे। अधिकारी जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जेल के अंदर हो रहे कामों को संज्ञान में लेकर मानक के अनुकूल आने वाले सभी कार्यों को देखा और जिन कार्यों में कमी मिली जेलर को साफ लफ्जों में कहा कि सारे काम मानक के हिसाब से ही होने चाहिए। वहीं पुलिस भारी बल के साथ सड़कों पर तैनात रही। जिलाधिकारी ने बताया कि हमीरपुर जनपद की कारागार में 15 बैरक हैं, जिसमें एक बैरक हाई सिक्योरिटी है और उन्होंने महिला बैरक में जाकर महिला बंदियों से भी बात की है। अभिषेक प्रकाश ने बताया कि किसी भी बंदी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। जेल अधीक्षक को और जेलर को कि इसमें सुनिश्चित करेंगे और आगे निरीक्षण के बाद की जो कार्रवाई होगी सुनिश्चित किया। औचक निरीक्षण इसलिए किया गया कि यहाँ की चीज़ों के बारे में पता भी चल जाए कि असलियत क्या चल रही है और समय मानकों को और रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसलिए औचक निरीक्षण किया गया। नहीं, कैदियों ने कोई समस्या नहीं बताई। विशेष रूप से महिला बैरक में पूछा गया, उनके द्वारा बताया गया कि सभी के पास लीगल एड उपलब्ध है, क्योंकि शासन की नीति भी है कि जिनको कोई लीगल एड उपलब्ध नहीं हो उनको निःशुल्क लीगल एड उपलब्ध कराया जाता है, तो ऐसी कोई समस्या सामने नहीं है। और जेल के अंदर बने अस्पताल व पाठशाला को भी दुरुस्त कराने के लिए कहा है। वहीं औचक निरीक्षण से कारागार में भी हलचल दिखाई दी है। हमीरपुर राठ से टाइम 18 न्यूज के लिए योगेश साहू की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर।